भागलपुर में लग रहे स्मार्ट मीटर को लेकर कई कंज्यूमर गली मोहल्ले में प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। लोग आक्रोशित हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने से तीन गुना बिल आ रहा है। साथ ही लोगों में यह भी अवधारणा है कि मीटर रीडिंग मीटर की दरें काफी बढ़ा दी गई है। इसको लेकर विद्युत उपभोक्ता संघर्ष समिति और ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। दूसरी तरफ विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के उप प्रबंधक सह विद्युत अधीक्षण अभियंता कुमार गौरव पांडे ने इन सारी परेशानियों का जवाब देते हुए प्रेस वार्ता कर बताया कि आम लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के कारण ज्यादा बिल आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों का पहले का बकाया है उनका बकाया स्मार्ट मीटर लगने के बाद 300 दिनों में काटा जाना है, जिसको लेकर आम लोगों को लग रहा है कि उनका बिल ज्यादा आ रहा है, लेकिन जिन लोगों का बकाया है उनका बकाया किस्त के अनुसार काटा जा रहा है। कहीं से भी स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए विभाग के द्वारा 140 घरों में पहले वाले मीटर और अभी के स्मार्ट मीटर को साथ में लगाया गया और उसकी मॉनिटरिंग की गई है, जिसमें कहीं से भी कोई अंतर नहीं मिला है। साथ ही विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक विद्युत अभियंता ने भागलपुर वासियों से हाथ जोड़कर आग्रह करते हुए कहा कि जो भी कंज्यूमर स्मार्ट मीटर नहीं लगाए हैं वो जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगा लें। इसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे कंज्यूमर को ही फायदा है और विभाग को भी। साथ में कहा कि कोई गड़बड़ी होती है उसे तुरंत ठीक करने के लिए टीम 24 घंटे लगी हुई है। वहीं डिस्प्ले के तौर पर विद्युत अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में भी हीटर जलाकर दोनों मीटर की रीडिंग ली गई, जिसमें भी दोनों बराबर ही नजर आए। आम लोगों से उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि अगर किसी तरह की परेशानी सामने आती है तो इसके लिए विभाग टोल फ्री नंबर जनरेट की हुई है, जिस पर आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। हमको लगता है ये जो भी मामला है ये निराधार है। स्मार्ट मीटर जहाँ भी लग रहा है वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ, रिचार्ज वगैरह से संबंधित या रिचार्ज होने के बाद कनेक्शन से संबंधित रिकनेक्शन से संबंधित कुछ समस्याएं आती हैं, तो उसके लिए हमने अपना फ्यूज कॉल सेंटर और कस्टमर केयर सेंटर का नंबर सर्कुलेट किया हुआ है। उसमें जो भी समस्या आ रही है हम लोग समय उसका निपटारा कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत जगह पे करीब 140 घर पे जहाँ पे हमने स्मार्ट मीटर लगाया है, सीरीज में एक टेस्ट मीटर भी लगाया गया है ताकि ये कंज्यूमर अपने स्तर पे संतुष्ट हो पाए और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बता पाए ये चीज़ कि जो स्मार्ट मीटर है और जो पहले का मीटर था दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो रिजल्ट आए हैं हमने आपसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, उसमें जो कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो नहीं के बराबर है, माने दोनों में सेम कंजम्पशन रिकॉर्ड किया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये निराधार मामला है कि भाई स्मार्ट मीटर फास्ट चलता है। बिल का जो समस्या लोग लगातार कर रहे हैं कि जो पहले 1200 आता था, अभी के समय में स्मार्ट मीटर लगने के बाद जो है 2000 से 2400 तक लोगों को बिल आ रहा है। क्या लगता है सर कि उनका पहले से भी बकाया होगा तब ऐसा काटा जा रहा है या स्मार्ट मीटर? जी सही बात है, जो पहले का बकाया है इसमें स्मार्ट मीटर में ये प्रावधान किया गया है कि 300 बराबर किस्तों में, माने 300 बराबर डेज 300 इंस्टॉलमेंट करके और प्रतिदिन एक इंस्टॉलमेंट का उसका कटौती किया जाएगा उसके बिल से। तो ये कटौती जो हो रही है ये उन्हीं लोगों की हो रही होगी जिनका बकाया पहले से है। अब वो बिल को उतने माइन्यूटली नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके मन में यह धारणा बैठ गई है कि हमारा जितना हम रिचार्ज करा रहे हैं उससे ज़्यादा मेरा ज़्यादा तेज़ी में मेरा डिडक्शन हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये गलत फहमी है। बाकी हमारा कार्यालय है, अगर वहाँ जाएं लोग इस चीज़ को समझने का कोशिश करें तो हमारे अभियंतागण हैं जो इस चीज़ को पूरी तरह से उनको क्लियर कर पाएंगे और उनकी भ्रांति को दूर कर पाएंगे। कई जगह विरोध हो रहा है सर लगाने को लेकर। अब हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट भी है, विभाग को भी बेनिफिट है, तो इसमें विभाग का सहयोग करें और ये केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना है और बहुत टेस्टेड मीटर है, फुल प्रूफ मीटर है। हम यही कहेंगे कि ये मीटर पे भरोसा किया जाए और विभाग के काम में हाथ बटाया जाए।